विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनॉम गेब्रियोसिस ने कहा है कि पिछले 8 हफ्तों में कोविड 19 की वजह से 1.70 लाख लोगों की मौत हुई है। ये वो आंकड़े हैं जिनकी रिपोर्ट पता चली है। हमें पता है कि असली संख्या इससे कहीं ज्यादा होगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन इमरजेंसी कमेटी ने कहा है कि इंसानों और जानवरों के बीच से इस कोविड 19 के कोरोना वायरस को खत्म करना लगभग नामुमकिन है। ये हो सकता है कि हम इसके भयानक नतीजों को कम कर सकें, लोगों की मौत कम कर सकें, लोगों को इससे संक्रमित होने से बचा सकें, लेकिन ये महामारी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी बनी रहेगी। और क्या चेताया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख ने। टेड्रोस एडनॉम गेब्रियोसिस ने कहा है कि मेरा संदेश स्पष्ट है, कोरोना को कमतर समझना बड़ी भूल हो सकती है। ये लगातार हमें सरप्राइज कर रहा है, ये लगातार हमें मारने का प्रयास करता रहेगा, इसलिए हमें ज्यादा मेडिकल टूल्स और मेडिकल स्टाफ की जरूरत है। ये वायरस हम इंसानों और जानवरों में बस चुका है, अब ये कई पीढ़ियों तक खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए सबसे बड़ी जरूरत है कि सही वैक्सीन और ज्यादा वैक्सीनेशन की, ताकि लोगों को इम्यूनिटी दिलाई जा सके। भारत में क्या थी स्थिति, अब कैसे हैं हालात। 30 जनवरी 2020 को भारत में कोरोना का पहला मामला सामने आया था। तब से अब तक भारत में कोरोना के करीब 4.5 करोड़ मरीज सामने आ चुके हैं। अच्छी बात यह है कि लगभग 99% कोरोना से ठीक भी हो गए हैं। भारत में 3 साल में कोरोना का 3 लहरें आईं। पहली लहर ने डराया, दूसरी ने रुलाया और तीसरी तक हम संभल गए थे। भारत में कब कब आई कोरोना की लहरें। पहली लहर, देश में कोरोना का पहला केस 30 जनवरी 2020 को केरल में सामने आया था। पहली लहर का पीक 17 सितंबर 2020 को आया था, उस दिन करीब 98,000 केस सामने आए थे। 10 जनवरी 2021 से पहली लहर कमजोर हुई और मामले कम होने लगे। पहली लहर करीब 377 दिन तक चली थी। इस दौरान 1.08 करोड़ मामले सामने आए थे और 1.55 लाख मौतें हुई थी। हर दिन औसतन 412 मौत हुई। दूसरी लहर, मार्च 2021 से ही संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे। अप्रैल और मई में दूसरी लहर अपने चरम पर थी। 1 अप्रैल से 31 मई यानी कि 61 दिनों तक कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर तबाही मचाई। इस दौरान 1.60 करोड़ नए मरीज मिले, 1.69 लाख लोगों की मौतें हुई, यानी हर दिन औसतन 2,769 मरीजों की मौत हुई। दूसरी लहर का पीक 6 मई 2021 को आया था, तब एक दिन में 4.14 लाख से ज्यादा मामले सामने आए थे। क्या कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कमेटी के सदस्य। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के इमरजेंसी कंसल्टेंट डेविड कॉल्डिकोट ने कहा है कि हमें आगे के लिए सोचना होगा, खास तौर से चिकित्सा कर्मियों के लहजे से भी, क्योंकि वो कोविड 19 का सामना सबसे पहले करते हैं, वायरस के संक्रमण जोन में सबसे ज्यादा रहते हैं,